Hello everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. So, आज हम लोग chapter 15 plant growth and development के अंदर पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सब टॉपिक जो कि है डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन और उसके साथ साथ हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डेवलपमेंट भी कर लेंगे. तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि ग्रोथ क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट के साथ. So the cells derived from root apical and shoot apical meristems and cambium, they differentiate and mature to perform specific functions. जो जो हमारे cells हैं वो derive होते हैं from the root apical और shoot apical meristem, वो जो कहते हैं वो differentiate हो जाते हैं into different forms और वो mature कर जाते हैं to perform different function. जैसे कि human body के अंदर क्या होता है कि पहले cells सिर्फ divide करते हैं, उसके बाद में क्या है वो अपनी fate ले लेते हैं. fate का मतलब क्या होता है कि उनको कौन सा function जो है वो perform करना है उसके according जो है वो distribute हो जाते हैं. तो वैसे ही plants के अंदर root apical, shoot apical और cambium से जो भी cells आते हैं वो differentiate हो जाते हैं to perform specific function. और इसको इस मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं. इस मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं. सो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन द सेल्स दे अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस. अब डिफरेंशिएशन हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी तो आएंगे ना. कुछ ना कुछ वो सेल जो है स्ट्रक्चरली बदलेगा, उसके बाद में ही तो वो डिफरेंशिएट होगा इनटू डिफरेंट फॉर्म. तो वही होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, कुछ जो सेल्स हैं दे अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म. सेल वॉल्स और प्रोटोप्लाज्म दोनों के बीच में जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और फिर जो है डिफरेंशिएशन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ ट्रकेरी एलिमेंट, ठीक है, ट्रकेरी एलिमेंट द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म. अब उनको अगर ट्रकेरी एलिमेंट बनना है, ट्रकिया का एलिमेंट बनना है, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देंगे. दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस. अगर उन्हें ट्रकेरी एलिमेंट बनना है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी जो वॉल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इलास्टिक करेंगे और लिग्नोसेलुलोसिक सेल वॉल बनाएंगे. लिग्नोसेलुलोसिक क्यों, क्योंकि उनको जो वाटर है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी फॉरवर्ड करना होता है, टेंशन के टाइम पे भी, एक्सट्रीम टेंशन के टाइम पे भी उनको जो है ये वाटर को कैरी फॉरवर्ड करना होता है. तो ऐसे जैसे ट्रकेरी एलिमेंट है वो पहले डिफरेंशिएट नहीं हुआ था, वो सिर्फ डिवाइड हुआ, उसके बाद में उसे डिफरेंशिएट होना था. तो क्या होगा, वो डिफरेंशिएट होने के टाइम पे अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगा और स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों की सेल वॉल बनाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल. लिपिड और कार्ब्स की जो है सेकेंडरी सेल वॉल बनाएगा और उससे क्या होगा, वो वाटर को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करके ले जाएगा, चाहे एक्सट्रीम टेंशन हो चाहे एक्सट्रीम कंडीशंस हो. द प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना. द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू Divide can regain the capacity of division under certain conditions. एक interesting phenomena और जो है plant show करते हैं कि जो living differentiated cells होते हैं जो कि एक point के बाद अपनी capacity lose कर देते हैं differentiation की, वो उस capacity को regain कर सकते हैं under certain conditions. तो this phenomena is termed as de-differentiation. इस phenomena को हम लोग de-differentiation बोलते हैं. So differentiation क्या था हमारा, कि जब plants जो है mature होकर specific functions में आ जाते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं, वो अपनी फेट डिसाइड कर लेते हैं, उसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं. डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि जब प्लांट्स का एक टाइप ऑफ सेल जो है अपनी लूज कर जाता है एबिलिटी टू डिवाइड, अपनी लूज कर जाता है एबिलिटी टू डिवाइड और वापस वो कुछ कंडीशंस के अंदर वो एबिलिटी को रीगेन कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स. मेरिस्टम्स का फॉर्मेशन जब होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम जो है दे फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स. पैरेन्काइमा सेल्स वो बनाते हैं. सो वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टम्स और टिश्यूज दे आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड व्हेन मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज दे गेट री डिफरेंशिएटेड.
अब डी डिफरेंशिएशन का क्या है एग्जांपल हमारा द फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम इंटरफेसिकुलर और कैम्बियम और कॉक कैम्बियम जो है दे फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। अब कई कई बारी क्या होता है जो मेरिस्टम्स और टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं वो टिश्यूज जो है वो डिवाइड कर पा रहे हैं वो सेल्स को भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं पर वो एक और बारी जो है लूज कर जाते हैं कैपेसिटी को, मतलब एक बारी लूज किया फिर से वो सेल्स डिवाइड करने लगे फिर उसके बाद वो फिर से लूज कर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर मैच्योर कर जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस और उनको हम लोग क्या बोलते हैं रीडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं कि पहले वो एक्टिव हैं वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं फिर वो इनएक्टिव हो गए फिर वो फिर एक्टिव हो गए इसको क्या बोलेंगे डीडिफरेंशिएशन है ना। ये डी डिफरेंशिएशन हो गया कि जब एक्टिव था फिर इनएक्टिव हुआ फिर एक्टिव हुआ फिर एक्टिव के बाद में फिर इनएक्टिव हुआ और फिर वो मैच्योर कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो ये तीनों टर्म्स के बीच में क्लियर है सबको कि ये तीनों टर्म्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डी डिफरेंशिएशन तब होता है जब एक सेल जो है एक्टिवली डिवाइड कर रहा है वो इनएक्टिव हो जाए और कुछ कंडीशंस के अंदर वो दोबारा एक्टिवली डिवाइड करने लग जाए तो वो हमारा डी डिफरेंशिएशन हो गया। जब वो डी डिफरेंशिएटेड सेल जो है इनएक्टिव हो जाए और फिर से एक्टिव हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे री डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है मेरिस्टम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम वाला। ठीक है The final structure at maturity of a cell or tissue is also determined by the location of the cell within. जो भी final structure आता है maturity of the cell या फिर tissue में वो location of the cell जो है उसके अंदर जो location है cell की उससे भी जो है हम लोग identify कर सकते हैं। For example, the cells positioned away from the root apical meristem, they differentiate as root cap cells. जो भी cells जो है root apical meristem से दूर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं root cap cells, while those pushed to the periphery mature as epidermis. देखो ये अगर हमारा root है ना, अगर यहां से मतलब आप समझ लो ये यहां से यहां पे चले जाए सेल, ये सेल है रूट अपाइकल का और ये हमारा क्या है रूट कैप है, तो रूट अपाइकल मतलब जो रूट सेल्स हैं अगर वो पुश हो जाएं थोड़ा सा रूट मेरिस्टम से थोड़ा आगे तक तो वो क्या करेंगे वो डिफरेंशिएट करेंगे इनटू रूट कैप सेल्स, वो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे इनटू रूट कैप सेल्स। पर जो ज्यादा ही उसे धक्का मार देते हैं ज्यादा ही पुश कर देते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी वो क्या बना देते हैं वो एपिडर्मल सेल्स बना देते हैं, मतलब बिल्कुल बाहर वाले सेल्स बना देते हैं। तो जितनी दूर जो सेल होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फंक्शन करने लग जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो मैच्योर होके क्या बना रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म इट गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। डेवलपमेंट क्या होती है वो सारे के सारे चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म गो थ्रू करता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, उसमें क्या आता है हमारा ग्रोथ भी आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या है मैच्योरिटी और ग्रोथ क्या है फिजिकल ग्रोथ। ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया था डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर एक बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है। अगर हम डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस माने तो एक बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है जिसके अंदर क्या होता है ग्रोथ होता है हमारा जब फिजिकली ग्रो कर रहा होता है प्लांट, पर डिफरेंशिएशन होता है जब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो ह्यूमंस के अंदर हम डिफरेंशिएशन को क्या बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकली और मेंटली जब ब्रेन की कैपेसिटी या फिर ब्रेन की सोचने की क्षमता बढ़ती है तो उसे हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, पर जब हम फिजिकली ग्रो कर रहे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। सो डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म इट गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स टू द सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है डेथ या फिर ओल्ड एज। ठीक है सो पूरी लाइफ साइकिल के अंदर जब से सीड जो है जर्मिनेट कर रही है और जब तक वो सेनेसेंस की तरफ मूव कर रही है उन सारे चेंजेस को हम होलसम डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं। तो सेल डिवीजन से क्या होता है मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट के बाद मैच्योर होता है, मैच्योर के बाद वो सेनेसेंस की तरफ जाता है। ठीक है तो ये जो है पूरी लाइफ साइकिल हमारी प्लांट की चलती है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं डेवलपमेंट बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है
सेल डिवीजन अगर हो रही है तो मेरिस्टमैटिक सेल हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी की तरफ जा रही है. तो ये जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल है, ये हमारी क्या है, डेवलपमेंट है. पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हमारी डेवलपमेंट है. प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है डेवलपमेंट के अंदर, जिसे हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं. सो प्लांट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को फॉलो करता है टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. प्लांट्स जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी. जैसे कि हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर. हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर. इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप देन दोज ऑफ मेच्योर प्लांट्स. इनकी जो लीफ शेप होती है, देखो जैसे ये देखो, ये जुवेनाइल फॉर्म में, मतलब बिल्कुल ही एम्ब्रियोनिक फॉर्म में. एम्ब्रियोनिक में ऐसी होती है, फिर अडल्ट में ऐसी होती है लीफ की स्ट्रक्चर, फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फिर वाटर हैबिटेट में. देखो कैसे पूरा का पूरा जुवेनाइल और मेच्योरिटी के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, जुवेनाइल और मेच्योरिटी के बीच में लीफ स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आ रहा है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोफाइली विच इज ऑब्जर्व्ड इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर. और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जिसमें प्लांट्स जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पाथवेज परफॉर्म करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लास्टिसिटी बोलते हैं. सो द डिफरेंट इन डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर इन बटरकप, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट हेट्रोफाइलस. ये बटरकप है, ये बटरकप की है लीव्स जो कि हेट्रोफाइली शो कर रहा है. दिस फिनोमिना ऑफ हेट्रोफाइली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. ठीक है, तो एक बार हम जो है हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, हमने जो भी आज सारा पढ़ा है. डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन का जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन होता है कि जो भी सेल्स जो है मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मेच्योर होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं. डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, सेल्स जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंडर को करता है, और सेल वॉल्स और प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है. जैसे कि अगर हम देखें कि ट्रेकरी एलिमेंट जब बनता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म निकाल देते हैं, और जो उसकी सेल वॉल है वो स्ट्रांग, इलास्टिक और लिग्नोसेलुलोसिक बना देते हैं, क्योंकि ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी परफॉर्म कर पाए वाटर कैरिंग कैपेसिटी. अदर दूसरा हमारा क्या होता है टर्म, डी डिफरेंशिएशन, जिसमें जब क्या होता है, जब डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है अपने एबिलिटी लूज कर देते हैं टू डिवाइड, पर वो कुछ कंडीशन के अंदर जो है वो एबिलिटी को रीगेन कर लेते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो उस एबिलिटी को रीगेन कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं. डी डिफरेंशिएशन है, द एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम हमारा इसका एग्जाम्पल है. फिर हमारी एक टर्म आती है री डिफरेंशिएशन. री डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि जब प्लांट्स जो डी डिफरेंशिएटेड है सेल्स वो फिर से इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर से एक्टिव होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन. द फाइनल स्ट्रक्चर, जो मेच्योरिटी के टाइम पे जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है सेल या फिर टिश्यू का, वो उसके अंदर जो सेल है उसकी लोकेशन पे बेस्ड होता है. जैसे कि अगर हमारे रूट सेल्स का हम देखें, तो सेल्स अगर रूट अपाइकल मेरिस्टम से दूर हैं तो वो क्या बनाएंगे, वो रूट कैप बना लेंगे. अगर वो बिल्कुल ही पुश हो गए हैं टूवर्ड्स द पेरीफ्री तो वो एपिडर्मिस बना देंगे. तो ये डिसाइड करता है कि सेल्स किधर पोजिशनड है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे सेल टाइप बनाता है. फिर हमारा आता है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होती है, ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म इट गोज थ्रू ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड टू द सेनेसेंस. प्लांट्स के अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है प्लास्टिसिटी की, जिसके अंदर क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी. सो प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. इसका एग्जांपल है हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर. जैसे कि लीव्स ऑफ द प्लांट जो है जुवेनाइल फेज में डिफरेंस होंगे और मेच्योर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट होंगे. जैसे कि हम ये बटरकप की लीव्स के अंदर देख सकते हैं, अगर हम ये बटरकप की लीव्स देखें तो जुवेनाइल और मेच्योर फॉर्म में कितना ज्यादा डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि जुवेनाइल फॉर्म हमारी जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली लीव्स बनी है.
और जो हमारी ये वाली है वाटर हैबिटेट वाली है जो मैच्योर फॉर्म है वो हमारी क्या है एक्वेटिक है. तो उसके अकॉर्डिंगली प्लांट ने लीव को बोला कि अपना स्ट्रक्चर चेंज करो. तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं, और हेट्रोफाइलीज का एक एग्जाम्पल है. तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं. पिछली क्लास और इस क्लास को मिला के जो है हम ये एमसीक्यूज करेंगे. द सेल्स ऑफ फाइबर्स एंड ट्रकीड्स दे एलोंगेट ड्यूरिंग, जो फाइबर्स और ट्रकीड्स के सेल है वो कब एलोंगेट करते हैं, ए ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेल डिवीजन, बी फेज ऑफ सेल एलोंगेशन, सी द फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन, या फिर डी द फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. किस फेज के अंदर जो है फाइबर्स और ट्रकीज एलोंगेट करते हैं, ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल मेच्योरिटी, या फिर सेल डिफरेंशिएशन. जब हम लोग सेल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके हमारे थ्री फेजेस थे, है ना, थ्री फेजेस थे लाइफ साइकिल ऑफ द सेल के. सबसे पहले फॉर्मेशन, फिर एलोंगेशन या फिर एनलार्जमेंट जो भी हम लोग उसे बोलते हैं, है ना, और लास्ट था हमारा मैच्योरिटी. ये तीन फेजेस थे हमारे, है ना, ये तीन फेजेस थे हमारे. तो सबसे पहले तो फाइबर्स और ट्रकीड्स को बनना है, फिर उसके बाद में जो है एलोंगेशन होती है. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए करेक्ट है, फेज ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के अंदर हमारे फाइबर्स और ट्रकीड्स बनेंगे, और एलोंगेशन के अंदर क्या होगा, जो और सारे सेल्स हैं वो ट्रकीड्स और फाइबर्स की डायरेक्शन में ही एलोंगेट होंगे. तो मतलब पहले इनको बन जाना चाहिए, तो ये फेज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर बन जाएंगे. ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिपिकल प्लांट ग्रोथ इट शोज डैश शेप कर्व. जो टिपिकल प्लांट ग्रोथ होती है वो कौन से कर्व को शो करती है, जे शेप, एस शेप, आई शेप, या फिर पैराबोलिक. जे शेप की हम लोग बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बिल्कुल ही एक्सपोनेंशियल, कभी जो है स्टेबल होती नहीं, तो ये तो नहीं होगा. एस शेप क्या होती है, सिग्मोइड होती है, मतलब कुछ ऐसा सा आता है. यहाँ पे लैग फेज आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, और फिर जो है हमारी फेज जो है सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगी, एक स्टेशनरी फेज अक्वायर कर लेगा. तो प्लांट ग्रोथ हमारा जो है एस शेप शो करता है. ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी, सिग्मोइड शेप कर्व जो है वो शो करता है. पहले एक लैग फेज आएगा, फिर वो तेजी से ग्रो करेगा, और फिर वो स्टेशनरी फेज में चला जाएगा. तो ये है हमारा लैग फेज, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फेज, और ऊपर वाला क्या है हमारा, स्टेशनरी फेज. तो ये तीन फेजेस होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ शो करती है. नेक्स्ट, द प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल लाइफ ड्यू टू ए प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स, बी प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, सी प्रेजेंस ऑफ जाइलम, या फिर डी प्रेजेंस ऑफ ट्रकीड्स. अब इन सब में से कौन सी जो चीज है वो ग्रोथ को, प्राइमरी ग्रोथ को, प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ावा देती है, कौन सी जो सेल है वो प्राइमरी ग्रोथ करता है, कौन सा सेल है इन सब में से, मेरिस्टम, वैस्कुलर कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर ट्रकीड्स. अगर हम ग्रोथ की बात करें, प्लांट ग्रोथ की बात करें, तो कौन से मेरिस्टम हमें याद है, अपाइकल मेरिस्टम्स. इस मेरिस्टम में कौन से हैं हमारे, शूट एंड रूट, कौन से हैं, रूट एंड शूट, ये दो मेरिस्टम्स होते हैं, है ना. तो यही जो है मेनली ग्रोथ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो ए प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ए थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग. जब हम लिविंग बींग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या है उसका फंडामेंटल कैरेक्टर, ए ग्रोथ, बी डिफरेंसिएशन, सी हाइट, या फिर डी हार्ट. जो कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कॉन्स्पिशियस और फंडामेंटल कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का. ओ ग्रोथ कह रही हूं, मैंने आंसर ही बता दिया गलती से. लिविंग बींग का क्या है, ऑब्वियसली ग्रोथ है, वो बढ़ता है. हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज लिविंग है, कि वो ऑक्सीजन रिस्पायर करके जो है बढ़ रही है, उसके सेल्स बढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रोथ, ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स, ए क्लोज्ड फॉर्म, बी ओपन फॉर्म, सी बोथ ओपन एंड क्लोज्ड फॉर्म, या फिर डी फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ. इनमें से कौन सी जो ग्रोथ है वो प्लांट से एग्जिबिट होती है, ए बी सी डी. अब हमारे जो प्लांट्स है दे ग्रो थ्रू आउट दी लाइफ,
दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ. जब हम थ्रू आउट द लाइफ बोल रहे हैं, जब हम थ्रू आउट द लाइफ बोल रहे हैं तो मतलब वो पूरी लाइफ जो है ओपन होते हैं ग्रोथ के लिए, कि जब भी ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी वो ग्रोथ कर लेंगे. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है कि ओपनली जो है दे आर ओपन टू ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ. दे आर ओपन टू ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ जब भी जरूरत पड़ेगी. और मेरिस्टम्स जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, जो रूट और शूट के एपेक्सेस होते हैं, पाइसेस होते हैं, वो पूरी लाइफ ग्रो करते हैं. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ए अपाइकल, बी लेटरल, सी वैस्कुलर या फिर डी कॉकैम्बियम. ए बी सी डी, कौन सा प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है. अब जब हम लोग प्लांट्स की ग्रोथ देखते हैं, जब हम लोग प्लांट्स की ग्रोथ देखते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो ग्रोथ होती है. जब हम प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि हाइट बढ़ती है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, मतलब कि वो एलोंगेट होता है. और जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो उसकी गर्थ बढ़ती है, उसकी विड्थ बढ़ती है, वो चौड़ा होता है ना, विड्थ बढ़ती है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि कौन से टिश्यूज हमारी हाइट बढ़ाते हैं, कौन से टिश्यूज हमारी हाइट बढ़ाते हैं, मेरिस्टमैटिक, जो कि किस पे प्रेजेंट है, रूट एंड शूट, रूट प्लस शूट अपाइसिस पे जो प्रेजेंट है वो वाले मेरिस्टमैटिक. और जब हम गर्थ की बात करें, हमारे कैम्बियम जो है गर्थ बढ़ाते हैं, कैम्बियम जो है वो गर्थ बढ़ाते हैं. तो उसी अकॉर्डिंग, इसी चार्ट को आप याद रखोगे, ग्रोथ का आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है. इसी चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अपाइकल मेरिस्टम, रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम जो है प्राइमरी ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्लांट की हाइट को एक्सटेंड करता है, प्लांट को एलोंगेट करता है. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अपाइकल मेरिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट एंड शूट अपेक्स ऑफ अ प्लांट, दे रिप्रेजेंट विच फेज ऑफ द ग्रोथ. जो रूट और शूट अपेक्स, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ. ए मैच्योरेशन, बी एलोंगेशन, सी मेरिस्टमैटिक या फिर डी एलिवेशन. ए बी सी डी, कौन सी फेज ऑफ ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करते हैं. ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर, द रूट और शूट अपेक्स है, जो रूट और शूट अपेक्स है वो कौन से फेज ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, सी मेरिस्टमैटिक. क्योंकि रूट और शूट जो अपेक्स है उसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, सॉरी रूट और शूट के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं हमारे, रूट और शूट की जब हम लोग बात करें उसके अंदर क्या होते हैं, अपाइकल मेरिस्टम होते हैं, अपाइकल मेरिस्टम होते हैं, जो कि मेरिस्टमैटिक ग्रोथ को डिस्प्ले करते हैं, मेरिस्टमैटिक ग्रोथ को डिस्प्ले करते हैं. तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी फेजेस द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड, 1, 2, 3, 4. ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर, कि कितने फेजेस के अंदर जो हमारे पीरियड ऑफ ग्रोथ है वो डिवाइडेड है. जब हम ग्रोथ की बात करें तो उसके कितने पीरियड्स होते हैं, सबसे पहला होता है किसका, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन. दूसरा क्या होता है, जिसके अंदर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिविजन होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिविजन होता है. दूसरा आता है हमारा एलोंगेशन, दूसरा क्या आता है, एलोंगेशन, पीरियड ऑफ एलोंगेशन, जिसके अंदर जो सेल्स है वो एनलार्ज होते हैं, एलोंगेट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ जो हमारे फाइबर्स हैं उनकी डायरेक्शन में जो है वो एलोंगेट करते हैं. और तीसरा कौन सा आता है हमारा, मैच्योरेशन, जिसके जो सेल्स हैं वो मैच्योरिटी की तरफ डाल जाते हैं, मतलब कि डिफरेंशिएट होते हैं सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. तो वो डिफरेंशिएशन वाला फेज हो गया. तो कितने फेजेस हो गए टोटल हमारे, 3 फेजेस हो गए. ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी 3 करेक्ट है. 3 फेजेस के अंदर हमारे पीरियड ऑफ ग्रोथ डिवाइडेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ग्रोथ किसका कॉन्सिक्वेंस होता है, ए इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए, सी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर डी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरएनए. ग्रोथ किसका कॉन्सिक्वेंस है, जब हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता है, पर वो क्या होता है, अनमेजरेबल होता है, अनमेजरेबल होता है. उसको मेजर करने के लिए बाकी सारे फैक्टर्स को अकाउंट में लिया जाता है, जैसे कि सेल नंबर हो गया, कॉपी नंबर हो गया, सेल का साइज हो गया. उससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारा प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, मतलब कि सेल बढ़ रहा है. तो क्या हम इसका आंसर ए बोल सकते हैं,
क्या हम इसका ए बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने का कॉन्सिक्वेंस है. प्रोटोप्लाज्म जब बढ़ता है तो हमारी ग्रोथ होती है. लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो लेटरली प्लांट बढ़ता है, गर्थ के अंदर बढ़ता है, मतलब कि लेटरली बढ़ता है ना. सो लेटरली बढ़ता है तो हमारे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है उसके अंदर. लेटरल मेरिस्टम, यस लेटरल मेरिस्टम भी इन्वॉल्व होगा. वैस्कुलर कैम्बियम भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो गर्थ बढ़ा रहा है. अपाइकल मेरिस्टम नहीं इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो क्या करता है, वो प्राइमरी के अंदर इन्वॉल्व होता है. और कॉक कैम्बियम भी इन्वॉल्व होगा. तो ऑप्शन सी सही है कि वो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि लेटरली जो है प्लांट सेल को बढ़ाने में नहीं मदद करता है. तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 10th का. सो बच्चों इस क्लास के अंदर हमने देखा डी डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन और एक छोटा सा टॉपिक जो था हमारा डेवलपमेंट का. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करेंगे जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन रेगुलेटर्स के होते हैं और कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं टू एनहांस द प्लांट ग्रोथ. तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.